नमस्कार, बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ शिवादी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से मॉनसून फिर से पड़वान पर है। बदलते मौसम के रुख ने लोगों को परेशान कर रखा है। पिछले दिनों की बात करें तो राजधानी पटना सहित इसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। इसके साथ ही उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। वहीं अन्य जिलों के कुछ भागों में जोरदार बारिश हुई, जिससे बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। अगले 72 घंटे में बिहार के कुछ जिले में मध्यम से तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के मुजफ्फरपुर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां मध्यम से भारी बारिश के साथ तेज हवा और ठंड का गिरने का उम्मीद जताया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों से भारी बारिश और वज्रपात को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। सबसे ज्यादा दक्षिण बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। इन जिले के क्षेत्रों में 30 से 40 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इसके साथ ही धीरे धीरे मौसम के मिजाज में काफी हद तक बदलाव देखने को मिलेगा। और चलिए अब देखते हैं बिहार में जिलेवार ढंग से अगले 3 दिन 4, 5 और 6 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का हाल। बात करें उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज की, तो 4 अगस्त को इन जिलों के कई जगहों पर, वहीं 5 और 6 अगस्त को इन जिलों के कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा होने का अनुमान है। उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में 4 अगस्त को इन जिले के अधिकांश जगहों पर, वहीं 5 और 6 अगस्त को इन जिले के कुछ ही जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है। पहले की अपेक्षा मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में 4 अगस्त को भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं 5 और 6 अगस्त की बात करें तो इन दिनों इन जिले के कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। बात करें दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ जगहों पर अगले 3 दिन 4, 5 और 6 अगस्त को बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय की बात करें तो यहां 4, 5 और 6 अगस्त को कुछ ही जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो यहां भी अगले 3 दिन 3, 4 और 5 अगस्त को इन जिले के कुछ ही जगहों पर बारिश की संभावना है। खासतौर पर राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो इन दिनों आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। राजधानी पटना सहित इसके सटे इलाके के 1-2 जगहों पर बारिश की भी संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मौसम को लेकर यह जानकारियां महज एक संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।